हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ मैनुअल गियर और ऑटोमेटिक गियर। मैनुअल गियर क्या है, ऑटोमेटिक गियर क्या है? अब लोग जब कार लेने जा रहे हैं ना, तो लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही, कौन सा कार ले, कौन सा गियर वाला ले, मैनुअल गियर वाला ले या ऑटोमेटिक गियर। इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाह रहा हूँ, इसी में थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ कि कौन सा कार ले, मैनुअल कार ले या ऑटोमेटिक कार। तो इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैनुअल गियर क्या है, ऑटोमेटिक गियर का? तो सबसे पहले जब कार लॉन्चिंग हुई ना, तो मैनुअल गियर बुलाया गया। मैनुअल गियर में फंक्शन क्या थे? मैनुअल गियर में आपको गियर लगाने का फंक्शन था, क्लच दबाकर गियर को शिफ्ट करना था, क्लच दबाना था, गियर लगाना था। उबड़ खाबड़ रोड है तो फिर आपको क्लच दबाकर गियर को कम करना था। अगर अच्छी खासी रोड मिल रही है, स्मूथली रोड मिल रही है, तो गियर ला कर मतलब क्लच दबा के गियर को आगे बढ़ाना होता। पहले आते थे 3 गियर, अभी 6 गियर मिल रही है। तो मैनुअल गियर में सिर्फ ये फंक्शन था, क्लच दबाकर गियर लगाकर गियर लगाना, तो क्लच दबाकर गियर लगाना। तो लोग इसमें से थोड़ी सी क्या हो जा रही है, थोड़ा सा परेशानी हो रही है। लॉन्ग टूर पे अगर जा रहे हैं, मतलब 500, 1000, 2000 किलोमीटर चल रहे हैं, तो लोग थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। बार बार क्लच दबाना था, गियर लगाना था, क्लच दबाना था, गियर लगाना था। ये फंक्शन थी मैनुअल कार में। अब न्यू ड्राइवर के लिए भी थोड़ी परेशानी हो जाती थी मैनुअल कार में, जब स्टार्टिंग में चलाते तो क्लच दबाकर गियर लगाना, तो थोड़ी सी मतलब घबराहट महसूस होती थी, गाड़ी बार बार बंद कर जाती। इसी के लिए लाया गया ऑटोमेटिक, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने, इसी थोड़ी सी परेशानी को देखकर कार लॉन्चिंग कार कंपनियों वाले ने थोड़ी सी ऑटोमेटिक गियर बुलाया गया। ऑटोमेटिक गियर में क्या मिल रही है आपको? ऑटोमेटिक गियर में आपको मिल रही है मतलब उस परेशानी को दूर, मतलब गियर को हटा दिया गया, मतलब गियर आपको उस तरह क्लच दबा कर गियर नहीं लगा। ऑटोमेटिक गियर में ऑटोमेटिक गियर लग जाएगा आपको, सिर्फ 2 पैडल मिलेगी, एक्सीलेटर पैडल और ब्रेक पैडल। वो अपने हिसाब से, अपनी गाड़ी अगर स्लो है तो अपने हिसाब से वो गियर लग जाएगी, अपने हिसाब से वो अपनी गाड़ी स्पीड है तो अपने हिसाब से गियर स्पीड है। आपको सिर्फ स्पीड के मतलब ब्रेक लगाना है और एक्सीलेटर लगाना है, उसमें ऑटोमेटिक में गियर है। उसमें गियर की झंझट हटाई थी। न्यू ड्राइवर लोग को जो परेशानी हो जाती थी गियर लगा कर चेंज करना था, वो सिस्टम को हटा दिया गया, ऑटोमेटिक गियर लग जाती है। आपकी गाड़ी की स्पीड के हिसाब से वो ऑटोमेटिक गियर लग जाएगी, स्लो है तो फिर ऑटोमेटिक लग जाएगी, कम हो जाएगी, और स्पीड है तो ऑटोमेटिक होगी। तो ये झंझट हटा दिया गया, मतलब ऑटोमेटिक मतलब अपने आप काम कर रही है। लोग ज़्यादातर थोड़ा परेशान स्ट्रेस फील हो जाते थे लॉन्ग ड्राइव में, तो ये अब इस मतलब लॉन्ग ड्राइव में अब दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ, जब से सबसे पहले जब कार बाइक आई ना, बाइक में क्या होती थी, बाइक में ये मतलब लड़कियों के लिए थोड़ी परेशानी होती थी। उसमें क्या होता था, गियर लगाने का फंक्शन क्या थी आपकी, कि मतलब क्लच दबाना था, गियर लगाना था, लड़कियों को ज़्यादा परेशानी होती। इसी तरह की मैंने उसमें स्कूटी बनाई, स्कूटी में क्या थी कि आपको सिर्फ एक्सीलेटर देना और ब्रेक देना, तो उसमें थोड़ी सी आसानी फील हो जाती थी, गर्ल्स थोड़े आसानी से चला लेते थे स्कूटी को, लेकिन बाइक चलाने में उसको थोड़ी परेशानी होती थी। उसी तरह कार को भी, मैनुअल कार में थोड़ी सी लोगों को परेशानी हो जाती है, न्यू ड्राइवर लोगों को भी परेशानी हो जाती है, गर्ल्स लोगों को भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, लेकिन ऑटोमेटिक कार में ये परेशानी खत्म हुई है। उसमें गियर के सिस्टम हटा दिया गया, गियर ऑटोमेटिक लग जाती है, आपको सिर्फ क्या करना है, क्लच और एक्सीलेटर पे, एक्सीलेटर और ब्रेक पे ध्यान देना, गाड़ी की स्पीड में ही अपने आप लग जाएगी, अपने आप मतलब कम हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक गियर। लेकिन ऑटोमेटिक कारों में अब खोज अब लोग लोग की डिमांड होती है कि थोड़ी सी हमको माइलेज चाहिए, एवरेज चाहिए, लेकिन ये ऑटोमेटिक कारों में नहीं। ऑटोमेटिक कार थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, मैनुअल कार से थोड़ी महंगी मिलेगी, माइलेज उस तरह नहीं मिल पाएगी माइलेज जिस तरह माइलेज मैनुअल में सबसे ऑटोमेटिक कुछ कुछ आपको मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से मैनुअल कार की तरह एवरेज नहीं मिलेगी जिस तरह आप मैनुअल कार में जाते हो, ऑटोमेटिक कार में नहीं। लेकिन ये कार थोड़ी आपको स्ट्रेस फील कराएगी, आपको आसानी भी चलाने, तो लोग मैनुअल कार को भी पसंद कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कार को पसंद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें आपको स्ट्रेस फील होगी और मैनुअल कार में थोड़ी सी परेशानी, लेकिन माइलेज आपको इसमें उस तरह नहीं मिलेगी, खर्च ज़्यादा होगी, कॉस्टिंग ज़्यादा है ऑटोमेटिक गियर में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑटोमेटिक गियर ना लें, दोनों कार बेस्ट है, दोनों कार को आप चूज़ करें, मैनुअल कार भी बेहतर है और ऑटोमेटिक कार भी बेहतर है, लेकिन वही थोड़ी इसमें आपको खर्च ज़्यादा पड़ेगी और कॉस्टिंग ज़्यादा है मैनुअल कार, सॉरी ऑटोमेटिक कार का। तो आप सर्च कर लें कौन सा लेना है। मैं सिर्फ ये बताना था आपको ऑटोमेटिक कार क्या है, मैनुअल क्या क्या है। तो मैंने डिफरेंसेस बता दिया कि मैनुअल कार में आपको क्लच दबाकर गियर लगाना था, और इसमें आपको गियर लगाने का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, ये अपने ऑटोमेटिक गियर लग जाती है, आपको सिर्फ एक्सीलेटर देना है और गाड़ी चलाना है, उसमें गियर की झंझट हट जाएगी। तो ये है मैनुअल कार और ऑटोमेटिक कार, इसी तरह फंक्शन गियर। लोग ज़्यादातर दोनों को कार को पसंद कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक कार को पसंद कर रहे हैं, मैनुअल कार को पसंद नहीं कर रहे, दोनों कार को पसंद कर रहे हैं, दोनों कार बेस्ट है। आपकी चॉइस कौन सा कार ले,
कि आपकी राय है। मैं बताना था बस मैनुअल कार और ऑटोमेटिक कार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।